हरी कृष्णा, मेरा नाम मनी है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने समय की महत्वता के लिए कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सभी ये जानते ही होंगे कि टाइम इज इक्वल टू मनी। हम टाइम की वैल्यू को कंपेयर करते हैं मनी की वैल्यू के साथ। मनी की जब बात आती है तो हम बड़ा सोच समझ कर खर्च करते हैं। 50 रुपये भी अगर हम कहीं खर्च करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सोचते हैं, लेकिन जब बात टाइम की आती है तो हम इतना क्यों नहीं सोचते? सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास आज है, कल है, दिन पड़े हैं, हफ्ते पड़े हैं, महीने पड़े हैं, साल पड़ा है, तो पूरी जिंदगी पड़ी है और मनी हमारे पास बहुत ही कम होती है या फिर होती ही नहीं है। इसलिए हम मनी की वैल्यू करते हैं और टाइम की वैल्यू नहीं करते। जिन लोगों को ऐसा लगता है तो वो सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि टाइम इज ग्रेटर देन मनी। समय पैसे से भी बड़ा है, क्योंकि एक बार को हम समय से पैसे बना सकते हैं लेकिन पैसे से समय नहीं बना सकते। बीता हुआ एक सेकंड भी हमारे अरबों रुपए देने के बावजूद भी वापस नहीं मिल सकता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता या उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि दिन के 24 घंटे सभी में बराबर बटे गए हैं। चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ना, या फिर हमारे देश का कोई भी गरीब नागरिक क्यों ना, टाइम सबका वही है, बस कौन इसका कितना अच्छे से यूज कर सकता है यही बात उसे सफल बनाती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती फिर से वक्त बदलने के लिए। हर दिन हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ऐड नहीं होते हैं, लेकिन हर दिन हमारे लाइफ अकाउंट में 86,400 सेकेंड्स ऐड होते हैं और डेली दिन के एंड में इनमें से एक भी सेकेंड आपके पास में नहीं रहने वाला है। तो इसका जितना अच्छे से यूज आप कर सकते हैं कर डालिए, क्योंकि टाइम कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जिस तरह शेयर मार्केट में गलत जगह पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है, ठीक उसी तरह जिंदगी में गलत जगह समय लगाने से जिंदगी डूब जाती है। धन्यवाद।